हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज की सुपर कूल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक से लेकर नौ चीप और यूजफुल गैजेट्स जो रियली गाइस काफी अमेजिंग है, और आप चाहो तो इनमें से कुछ गैजेट्स को amazon.in से खरीद भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा आखिर तक। और हाँ, बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारे फैमिली का हिस्सा, साथ ही बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टेरा प्लांटर। गाइज, वैसे तो छोटे मोटे पौधों को उगाने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है काफी सारी मिट्टी का और पॉट्स का, जिसमें कभी कभार या तो पानी ज्यादा हो जाता है या फिर कम, जिससे कि प्लांट्स कुछ ही दिन में मर ही जाते हैं। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टेरा प्लांटर के इन्वेंटर ने बनाकर तैयार किया है एक ऐसे प्लांटर को जिसमें मिट्टी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस प्लांटर को ही मिट्टी से बनाया गया है। जी हाँ गाइस, और इसे इस्तेमाल करना भी है काफी सिंपल। आपको करना होगा बस इसमें पानी को फिल, जिसके बाद आपको सीधे उस प्लांटर में बने हुए होल्स में प्लांट्स के सीड्स को कुछ इस तरह से डाल देना होगा। फाइनली कुछ ही दिन बाद सीड्स में से प्लांट्स बदल जाएंगे कुछ इस तरह से। वैसे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इसमें होल्स बने होने के बावजूद भी इसमें से पानी बाहर क्यों नहीं आता। तो देखिए गाइस, इसमें बने हुए होल सॉलिड मिट्टी से बने होते हैं जिसमें पानी धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, बस इतना ही। पैनोक्लिप 360। दोस्तों, आजकल मोबाइल में सेल्फीज को क्लिक करना एक ट्रेंड बन चुका है। हर किसी को देखो तो बस सेल्फी ही खींचते रहते हैं। वैसे सेल्फीज खींचना कोई बुरी बात नहीं होती, हम तो बस आपके सेल्फीज को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आए हैं। तो मिलिए आज के इस कमाल के प्रोडक्ट से, जिसका नाम है पैनोक्लिप 360 डिग्री पोर्टेबल कैमरा, जो रियली काफी ऑसम है, जिसका यूज करके आप अपने सेल्फीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अच्छा, तो गाइस, इस डिवाइस को बस आपको अपने स्मार्टफोन पर कुछ इस तरह से अटैच करना होगा, जिसके बाद आप सेल्फीज को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और इसमें इनबिल्ट होते हैं सिर्फ 360 डिग्री वाले लेंसेस जो अटैच होते हैं स्मार्टफोन के कैमरे के ऊपर। और हाँ, आप इसमें कैप्चर किए हुए इमेजेस को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अपलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मेजरिंग व्हील। गाइज, हम किसी भी छोटे मोटे चीजों को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं मेजरिंग टेप का, जो कुछ ही फीट तक मेजर करने में काम आता है। बट अगर आप बड़े बड़े से साइट्स पर या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं तो आपके लिए पेश है मेजरिंग व्हील, जिसका यूज करके आप काफी लॉन्ग डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको करना होगा बस इसमें लगे हुए डिजिटल मीटर को रीसेट, उसके बाद आपको सीधे डिस्टेंस को मेजर करने लग जाना होगा, जिसके बाद जितना लंबा आप इस व्हील को ले जाएंगे तो उसमें उतनी ही डिस्टेंस मेजर होती रहती है। खैर, तो गाइस, इसमें बस एक सिंपल सा गियर्स का मैकेनिज्म इनबिल्ट होता है जो आपको डिस्टेंस मेजर करने में काफी ज्यादा मदद करता है, और इसमें लगे हुए पहिए भी काफी हद तक रोड फ्रेंडली ही होते हैं। अच्छा, तो गाइस, आपको ये गैजेट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जेनिनो T1। दोस्तों, टाइटैनिक मूवी में आपने पानी में तैरने वाले ड्रोन को तो जरूर देखा होगा, जिसका यूज करके वो लोग पानी के अंदर के नजारे को देखते हैं। तो अगर आप भी समंदर के नीचे के नजारे को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आ चुका है जेनिनो T1 अंडर वाटर डाइविंग ड्रोन, जो गहरे से गहरे समंदर में इवन 492 फीट तक डीप इजीली जा सकता है। वैसे गाइस, ये ड्रोन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ नहीं आता, बल्कि ये ड्रोन आता है वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ, जिसे कंट्रोल किया जाता है उसके अपने RC कंट्रोलर से। और बात करें इसमें लगे हुए कैमरे की, तो इसमें आपको अल्ट्रा HD 4K कैमरा देखने को मिलता है, जो पानी में हर एक सीन को क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड करता है। साथ ही इसमें लगी हुई बैटरी होती है 9000 mAh की, जो कि लगातार डाइविंग पर मैक्सिमम 4 घंटे तक आसानी से बैकअप दे सकती है। और गाइज, इसमें लगे होते हैं 3000 लुमेंस वाले पावरफुल LED हेडलाइट, जो कि ओवरऑल काफी अमेजिंग ड्रोन है। रोडी टर्नर। दोस्तों, गिटारिस्ट बिगिनर को अक्सर गिटार के स्ट्रिंग्स को प्रॉपर सेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप में से कोई गिटारिस्ट होगा तो उन्हें पता ही होगा। खैर, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं रोडी टर्नर, जो होता है एक स्मार्ट गिटार स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटिकली सेट करने वाला, जिसे यूज करते वक्त आपको परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि इसे आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे यूज करने से पहले आपको करना होगा अपने स्मार्टफोन में इसके ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल, जिसके बाद आपको सीधे उस टर्नर को अपने मोबाइल से वाया ब्लूटूथ की मदद से आपस में कनेक्ट कर देना होगा। तब जाके आपको बस उस ऐप में स्ट्रिंग्स के ट्यून को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपको उस टर्नर को गिटार के स्ट्रिंग्स पर कुछ इस तरह से पकड़ना होगा, जिसके बाद वो टर्नर अपना काम शुरू कर देता है कुछ इस तरह से। अच्छा, तो आप में से कितने लोग गिटार लवर हैं हमें बताइए वीडियो को लाइक करके। ईयरगॉन बैंड।
गाइज, वैसे तो स्मार्ट वॉचेस आजकल काफी ट्रेंड पर हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस में काफी सारे फीचर्स जो मौजूद होते हैं। बट गाइज, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वर्कआउट और रनिंग करते वक्त अगर हमें स्टेप्स और हेल्थ एक्टिविटी को ट्रैक करना होगा तो हमें अपने रिस्ट को घुमाना पड़ता है परफेक्ट मूविंग एंगल के लिए, जो कि सिर्फ एक्टिविटी के दौरान ही मुश्किल होता है। तो उसी मुश्किल सिचुएशन को आसान करने के लिए आ चुका है ईयरगॉन वॉच बैंड, जो होता है बस एक वॉच बैंड जिसमें आपको अपने वॉच के मॉड्यूल को अटैच करना होगा, जिसके बाद आपको किसी भी एक्टिविटी के दौरान अपने हाथ को रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये बैंड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। रोबोटिक पूल क्लीनर। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही रोबोटिक मशीन एक स्विमिंग पूल क्लीनर है, जिसे मिस्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि काफी यूजफुल इन्वेंशन है, जो कि लाइट वेट एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आती है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसे यूज करने के बारे में। तो आपको पहले इसके साथ आने वाले कंट्रोलर यानी कि पावर सप्लाई डिवाइसेस रोबोट को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेना होगा, जिसके बाद आपको सीधे इस रोबोट को कुछ इस तरह से पानी में छोड़ देना होगा, तब जाके ये रोबोट अपना काम शुरू कर देता है। मतलब पूल के बेस में जमे हुए सारे डस्ट को इजीली अपने अंदर इनहेल कर लेता है, कुछ इस तरह से। और गाइज, इसमें इनबिल्ट हुए सेंसर्स काफी स्मार्ट और हाईटेक होते हैं, जिससे कि इस रोबोट को मैन्युअली कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो गाइज, आपको ये रोबोट कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ चुकी है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पसंद आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर रख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।